हाय, आज है ना ट्रिग्नोमेट्री और पास्कल ट्रायंगल का रिलेशन देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले तो पास्कल ट्रायंगल बनाना आता है क्या आपको? पास्कल बहुत सिंपल है। टॉप पे वन, लेफ्ट में वन, राइट में वन, वापस लेफ्ट में वन। थोड़ा आगे जाओ तो दिखेगा कि ये वन और वन का जो गैप है वो नीचे दिख रहा है, तो पुट एडिशन टू वन, वापस वन, एडिशन ऊपर के दो का, फिर ऊपर के दो का, लास्ट में वन, वापस वन, फोर। देखो वन प्लस थ्री सिक्स, दैट इज थ्री प्लस थ्री फोर, एंड देन केम वन, वन फाइव, टेन टेन फाइव वन। आई होप नंबर्स कैसे आ रहे हैं वो लॉजिक समझ रहा है। ऊपर के दो नंबर ऐड करो, नीचे के गैप में लिख दो। ऐसे ही चलते रहोगे तो अगला आएगा वन सिक्स फिफ्टीन, 20, 15, 6, 1, 1, 7, 21, 35, 35, 21, 7, 1। आई होप आइडिया आया। अब समझो कि ये मुझे ट्रिग्नोमेट्री में कितना हेल्प करता है। तुमने 11, 12 का जो फॉर्मूलाज देखा, 11, 12 के फॉर्मूलेज में तुमने टैन ऑफ टू थीटा देखा, बराबर? बताओ व्हाट इज टैन ऑफ टू थीटा? टू टैन थीटा अपॉन वन माइनस टैन स्क्वायर थीटा। फिर आपने एक टैन थ्री थीटा का फॉर्मूला भी देखा। क्या होता है? थ्री टैन थीटा माइनस टैन क्यूब थीटा अपॉन वन माइनस थ्री टैन स्क्वायर थीटा। अगर यहां पे गौर करो तो ध्यान दो, कोएफिशिएंट्स कैसे मैनेज हुए? हाउ आर द कोएफिशिएंट्स मैनेज्ड ओवर योर? अगर मैं टैन टू थीटा की बात करूं तो यू हैव अ वन टू वन। चेक करो टू का पास्कल लाइनअप। चलो टैन थ्री थीटा देखो, वन थ्री थ्री वन। थ्री का पास्कल देखो, यू विल ऑब्जर्व के रिजेम्बलेंस है। मतलब अब अगर मैं तुम्हें सिखाने को जाऊं टैन फोर थीटा, तो टैन फोर थीटा क्या बनेगा, कैसे बनेगा, पहले वो प्लान करो। तो जरा ऊपर जाके फोर की लाइनअप देखो, वन फोर सिक्स फोर वन, वो फोर का पास्कल है। स्टार्ट पुटिंग नंबर फ्रॉम डाउन, पहला नंबर नीचे वन, अगला नंबर ऊपर फोर, अगला नंबर नीचे सिक्स, अगला नंबर ऊपर फोर, अगला नंबर नीचे वन। फिर मालूम है न्यूमरेटर में टैन को ऑड पावर्स अच्छी लगती है, सिर्फ ऑड, मतलब फोर के साथ टैन थीटा बेसिकली रेस टू वन, दूसरे फोर के साथ टैन क्यूब थीटा। मैंने बोला ना ऑड पावर्स ऊपर अच्छी लगती है, नीचे वन के साथ टैन रेस टू जीरो थीटा, सिक्स के साथ टैन रेस टू टू मंजे टैन स्क्वायर, और इस वन के साथ टैन रेस टू फोर। अपनी ऑल्टरनेट प्लस माइनस की सीक्वेंस पकड़ो, ऊपर प्लस माइनस, नीचे भी प्लस माइनस प्लस,
ये दे टैन फोर थीटा रेडी, इतना सिंपल है आई थिंक। अगर ये समझा तो मुझे टैन फाइव थीटा सिखाने में टाइम नहीं लगेगा, सीधा बनाओ। हाउ विल यू मेक टैन फाइव थीटा? तो अगर मैं टैन फाइव थीटा बनाने गया, ऊपर फाइव का पास्कल उठाओ, वन फाइव टेन टेन फाइव वन शुरू हो जाओ, वन फाइव टेन टेन फाइव वन, ज़िगज़ैग मोशन समझा, नीचे से स्टार्ट करने का, पहला नंबर नीचे, दूसरा नंबर ऊपर, तीसरा नंबर नीचे, चौथा नंबर ऊपर, नेक्स्ट नीचे, नेक्स्ट ऊपर। न्यूमरेटर में टैन को ऑड पावर्स पसंद है, तो इट इज टैन थीटा रेस टू वन, टैन थीटा रेस टू थ्री मतलब टैन क्यूब थीटा, टैन थीटा रेस टू फाइव मतलब टैन रेस टू फाइव थीटा, सो सिंपल। नीचे आ जाओ, वन के साथ टैन रेस टू जीरो, टेन के साथ टैन रेस टू टू, एंड फाइव के साथ टैन रेस टू फोर। चलो ऑल्टरनेट प्लस माइनस मारना शुरू करो, प्लस माइनस प्लस, जॉब डन। नीचे प्लस माइनस प्लस, ये ले टैन फाइव थीटा रेडी। नंबर कॉम्बिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला नंबर नीचे, अगला नंबर ऊपर, अगला नंबर नीचे, अगला नंबर ऊपर, अगला नंबर नीचे, गेम खत्म। जहां पास्कल खत्म वहां फॉर्मूला खत्म। वन फाइव टेन टेन फाइव वन, ये देख मस्त है ना। नाउ मुझे स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि सर ये साइन कॉस में भी वैलिड है क्या? है, लेकिन थोड़ा सा तुमको याद रखना पड़ेगा। देखो सपोज मैं तुम्हें सिखाने गया साइन फाइव थीटा, तुम्हें साइन फाइव थीटा के लिए क्या करना है? चलो ऊपर आते हैं, फाइव का पास्कल उठाओ, फाइव का पास्कल मतलब वन फाइव टेन टेन फाइव वन, इसको फाइव का पास्कल बोलते हैं। साइन है ना, तो पास्कल में सेकंड नंबर से स्टार्ट करो, म्हणजे कोण? फाइव, फाइव से स्टार्ट करो, बेसिकली ऑल्टरनेट नंबर्स लेने हैं, ठीक है? ऑल्टरनेट फाइव लिया तो उसके बाजू वाला टेन छोड़ दो, उसके बाजू वाला टेन ले लो, उसके बाजू वाला फाइव छोड़ दो, उसके बाजू वाला वन ले लो, ये समझा? पहला नंबर छोड़ के हाँ सेकेंड नंबर लेना है, फिर फोर्थ नंबर लेना है, फिर सिक्स नंबर लेना है। फाइव के साथ क्या करोगे? फाइव के साथ एक अकेला साइन थीटा दो, अकेला, फिर साइड में कॉस दो, और कॉस की इतनी पावर दे देना कि साइन और कॉस की पावर ऐड होके फाइव हो जानी चाहिए, मतलब कॉस रेस टू फोर। जब टेन के पास आओगे, अब तुम्हें पावर में दो दो का फ्लक्चुएशन क्रिएट करना है, दो दो का मतलब साइन अपनी पावर दो बढ़ाएगा और कॉस अपनी पावर दो कम करेगा, अभी कम की तो स्क्वायर हो गया ना, फिर वन, साइन अपनी पावर वापस दो बढ़ाएगा, यानी साइन रेस टू फाइव थीटा। सोच, कॉस की जरूरत ही नहीं है, पूरा फाइव हो गया। अल्टरनेट प्लस माइनस डालो, पहली पार्टी प्लस, दूसरी पार्टी माइनस, अगली पार्टी प्लस, सिंपल हो गया। उसी तरह अगर मुझे कॉस सिक्स थीटा बनाना है तो ऊपर सिक्स का पास्कल उठा लो, व्हाट इज सिक्स का पास्कल? वन सिक्स फिफ्टीन, वन सिक्स फिफ्टीन ट्वेंटी फिफ्टीन सिक्स वन। अब कॉस है तो पहले नंबर से उठाओ, म्हणजे कोण? वन, फिर वही बाजू वाला नंबर छोड़ दो, अगला उठाओ 15, फिर अगला नंबर छोड़ दो, अगला उठाओ 15, फिर अगला नंबर छोड़ दो, अगला उठाओ 1। तो यू विल ऑब्जर्व के तुम उठा रहे हो 1 15 15 1, ऑल्टरनेट नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट नंबर। अब कॉस में क्या करना है, जब तुम पहला नंबर लिखते हो ना, वहां कॉस को पूरी पावर दे दो, फुल 6 तो 6,
अब जब अगले नंबर पे आए 15 के पास, तो कॉस अपनी पावर 2 कम करेगा, साइन उतनी पावर ले लेगा कि ऐड होकर 6 हो जाए। आगे तो साइकिल आपको पता है, कॉस अपनी पावर 2 कम कर रहा है, साइन अपनी पावर 2 बढ़ा रहा है। अगली बार कॉस अपनी पावर 2 कम कर रहा है, अबे 0 हो गई, साइन अपनी पूरी पावर रख रहा है 6। ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगाओ, पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, अगला माइनस, ये ले तेरा कॉस 6 थीटा रेडी। क्या बोलते हो, इजी है ना?